तो बच्चों आज जो हम बुलंदखानी करेंगे वो है जोड़ो, जाओ जोड़ा ओड़ो, जोड़ो जाओ जोड़ा ओड़ो, जोड़ो। नंबर एक, ह जमा ए, पहले ह है फिर ए है, ह जमा ए। नंबर दो, म जमा ओ। नंबर तीन, क जमा अ। नंबर चार, न जमा ई। और नंबर पांच, क जमा ओ। और जमा का निशान आपको पता है तोड़ में नहायत जरूरी है, तो अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है लफ्ज बच्चों, हे। हमने पहले हे की आधी शक्ल लिखी और उसके साथ क्या जोड़ना है, बड़ी है। ह जमा ए हे। अब क्या लिखा हुआ है, मीम। हम मीम की आधी शक्ल बनाएंगे और मीम के साथ क्या जोड़ना है, वाव। मा ओ मो। अब क्या है, काफ। हम सबसे पहले काफ की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, अलिफ। तो क जमा अ का। अब यह है न जमा ई। पहले हमने न की आधी शक्ल बनाई और क्या जोड़ेंगे, छोटी है, न ई नी। क जमा ओ, पहले हम क की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, ओ। क ओ को। ह ए, ह जमा ए हे। म जमा ओ मो। क जमा अ का। न जमा ई नी। क जमा ओ को। तो बच्चों ये था आपका बुलंदख्वानी जोड़ों का। अब हम अपनी लिखाई का यानी रिटेन काम, तहरीरी काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ तारीख डालेंगे आज की, ऊपर लिखेंगे सी डब्ल्यू और यहां लिखेंगे ज ओ जो। ज के साथ आधी शक्ल के साथ ओ बनाए, ज ओ जो, ड ओड़ो, जोड़ो। अब नंबर एक में आप लिखेंगे ह जमा ए। ह जमा ए हे। तो सबसे पहले आप ह की आधी शक्ल बनाएंगे, उसके साथ ए को जोड़ेंगे, तो ह ए हे, ह ए हे। अब नंबर दो, म, म जमा ओ। सबसे पहले पूछो इसमें क्या लिखा है, म। तो आप म की आधी शक्ल बनाएंगे, म के साथ किसको जोड़ना है, ओ। म ओ मो। अब नंबर तीन, क जमा आ। सबसे पहले आप क की आधी शक्ल बनाएंगे और इसके साथ आप क्या लगाएंगे, अलिफ। तो क अ क, क अ क। अब नंबर चार, न जमा ई। अब सबसे पहले इसने क्या लिखा था, न। आप न की आधी शक्ल बनाएंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे, ई। तो न ई नी। अब नंबर पांच, क जमा ओ। सबसे पहले आप किसकी आधी शक्ल बनाएंगे, पहले क्या लिखा हुआ है, हद क। आपने क की आधी शक्ल बनाई, उसके साथ आप क्या जोड़ेंगे, ओ। तो क ओ को। तो बच्चों ये था आपका क्लास वर्क, ह ए हे, म ओ मो, क जमा अ क, न जमा ई नी, क जमा ओ को। तो ये काम आपने क्लास वर्क में करना है। इसके बाद यहाँ आप आज की तारीख लिखेंगे और ये यहाँ तारीख लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एच डब्ल्यू होमवर्क। अब यहां पर आपको मिस देंगी तोड़ करने के लिए, जोड़ तो मिस ने आपको सिखा दिया, अब आप घर से इसको तोड़ेंगे। त के साथ ओ और ल ओ रो, त ओ तोड़, ओड़ो तोड़ो। नंबर एक, पहले आप त लिखेंगे और त के साथ अ, त अ त। अब एक लाइन छोड़ के नंबर दो, ख की आधी शक्ल लिखेंगे
और ओ लिखेंगी ख ओ खो। नंबर तीन क ई की क ई की। फिर नंबर चार ह ओ ह ओ हो ह ओ हो। और नंबर पांच है आखिरी वाला ज ई जी। तो बच्चों ये था आपका होमवर्क और उम्मीद है आप नहायत ही दिलचस्पी के साथ अपना काम करेंगे, नहायत ही मेहनत के साथ और अच्छी लिखाई के साथ अपना ये काम मुकम्मल करेंगे। और उम्मीद है आज का पढ़ाया हुआ समझाया हुआ काम आपको नहायत अच्छी तरीके से जहन नशीन हो गया होगा।